पाया जा सकता, ये भी मुझे आप फरियाद के हवाले हैं, ये फरियाद तुम्हारे हाल में कल इसकी दुकान खुलनी चाहिए और मेरे पास वीडियो आनी चाहिए, ठीक है, क्या आप इसके हवाले हैं? ये क्या है जी? जिंदाबाद जिंदाबाद, डीपीओ साहब हमारे अच्छा कुर्सी पे बैठे, देखो लगते हैं कितने प्यारे, सुनते हैं हर गरीब की फरियाद अक्सर, अच्छा ये खाना कभी ऐसा कोई मुखलिस ऑफिसर, अच्छा जजाकल्ला बहुत खुश है जी, दुआ में हमें और पुलिस को याद रखें। ये बताएं सर, ये साडा मोटरसाइकिल चिश्तियां चोरी होया सी। अच्छा कब? तकरीबन 8 महीने हो गए ने, पहला अब्दुल्ला साहब पर सी उदों ही असीं चक्कर लांदे रहे, मैं ड्राइविंग करना वा ते चक्कर लांदे रहे, कोई नहीं गल सुनी जी, फिर शाह यूर साहब आए ने, उन्हें कहा 54 का बंदा तू पकड़वा दे तेन मोटरसाइकिल मिल जाएगा जी, हम मजदूर बंदे हो कितों फड़ा सकते हैं जी, नौकरी वाला बंदा वा जी, ठीक है वो आंदे ने फड़ा दो, फिर एक चोर उन्हें फड़ा, आपको कहता है कि मुझे हाँ जी हाँ जी, वो डॉक्टर उस्मान है कोई आंदा वो पकड़वा दे ते तेन तेरा मैं मोटरसाइकिल दे देना, उसकी जगह दूसरे तगड़े तफ्तीश लगाओ और उसका केस रेज करवाओ, ऑफिसरों को भी दूंगे केस, ठीक है, ऐसा तफ्तीश हमें नहीं चाहिए फिर जो आपको कह के चोर पकड़वाओ। कब चोरी हुई थी? 10 फरवरी को सर। थाना कौन सा है ये? सीटी। ये किस एसएचओ को आपने दी थी सीसीटीवी? सर हमने किसको दी थी? एसएचओ को भी दी थी, कलीमुल्ला साहब को भी दी थी। कलीमुल्ला किधर है? एसएचओ साहब को भी दी थी, शाह साहब को भी दी थी, और शाहद अमीर को भी दी थी, और पिताचा उसके बाद आया, शाहद को भी दी थी जी सर। क्या है पकड़ लिया है? नहीं तस्वीरें तो आ रही हैं, ठीक है, क्या हुआ इसमें? पहचान लिया आपने कि कौन है? बस ऐसा ही कोई एक तो इसको भेज दिया, रेड भी करवाया मेरे आगे तक काफी सारी मजामत हुई सारी। कौन है ये? उनको पता, इनको बताया जी कौन है? बलोच है सर। अच्छा बात यह है कि इसमें तफ्तीश हो गई सस्पेंड, ठीक है, अभी एसएचओ को इसलिए हम मार्जिन देते हैं कि वो कहता है कि पहचान ली है बंदे के हैं कौन, फलाने बोलो जो भी तरनामा भी नहीं लेते, ठीक है, अभी हम इसमें स्पेशल टीमें भी बनाते हैं, एसएचओ को टाइम देते हैं कि इन बंदों को पकड़ें। सर हमने ये वीडियो दी थी ना, तक वीडियो की बात नहीं है जी सर, उसके बाद हमने एसएचओ साहब के साथ इनका हमने भेजे हुए आदमी उधर से वीडियो उठाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं गया। कहाँ से? आपसे एक दफा आपको बेटा, वो बातें थोड़ी सी पुरानी इसलिए रह गई है ना कि बंदे पहचान लिए गए हैं, अब तो आगे पीछे वीडियो की जरूरत नहीं रही ना, बंदे पहचान लिए गए हैं, अब वो है इश्तेहारी किस्म के समझ लो, उस तरफ के इश्तेहारी किस्म के ना, कच्चे के टाइप के, पकड़ने में तो उससे टाइम लगेगा, लेकिन अब स्पेशल टीम तश्कील देते हैं इसमें, ठीक है, इसमें स्पेशल टीम तश्कील दिलवाओ, ऑफिसरों को भी लगाओ, CIA को भी इन्वॉल्व कराओ, और मुनीम स्पेशल टीम भी बना देगा इसमें, डिटेक्टिव को भी लगा देते हैं इसमें, स्पेशली इनको वॉलंटियर भी करो जब तक ये पकड़े ना जाते हैं, इनको डबडेल करो टीम के साथ। सर मोहम्मद अकमल मेरा नाम। अच्छा जी वाले सलाम। चोरी हुई थी 15 से कॉल की थी। हाँ अब्बास साहब आए थे, उन्होंने मौका भी देखा है, मौका वादर पे आए देखा है उन्होंने सबको, सर कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे जो सब एक्शन लो इसके ऊपर, बताओ फिर मुझे। जब दोबारा पूछा है उन्हें आगे, वो कह रहे हैं आगे दरखास्त दो, दरखास्त भी दी, अभी तक FIR नहीं हुई, अभी FIR भी होगी इस पे, समझ लो किसने अटेंड की थी ये कॉल, किसने? अब्बास साहब आए थे। जो अब्बास कौन है आपका? वही अब्बास जो कर रहा है इधर, ये और अब्बास। अच्छा जी, अभी तक FIR भी नहीं हुई, ये जो भी अब्बास है ये वाला, इसको शुकान जो है कि जो क्यों किया है, अगर तुम्हारा डिले जो ट्रंक था वो भी बरामद हो गया, जो के हवाले है आपको रिकवरी भी करके देंगे, जो अगर डिले हुई है तो उस पर सजा भी देंगे, ठीक है, और आपकी इज्जत अफजाई भी करेंगे। हाँ जी क्या हाल है, कैसे आए हैं जी? सलाम। कब से करोला है? कब?
अखाड़े चला गया था जी आलू के कब की है तो 1986 की बात है लिखी है जी, मैं तो 16-17 साल हो गए लेकिन अच्छा ये थाना कौन सा है ऐसे राव साहब सुन लेंगे मैं ठीक हो गया ये आपका है मसला पुराना हम मेरठ पे सुनेंगे जो भी वो हम करेंगे आपके लिए ठीक है नोट करिए अच्छा ये कौन है ठीक हो गया आप ये है राव साहब इसके हवाले है वो आपको सुनेंगे जो भी हो सका आपसे आपके लिए करेंगे बहुत पुराना मसला है आपका ठीक है सर मैंने कहा मेरे ना शोहर जो है हमने किराए पे मकान लिया था और किराएदार ने मुझे ऊपर आके बहुत ज़्यादा मारा है मेरे कपड़े तक फट गए हैं और मैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी मेरे यहाँ पे निशान तक पड़ गए हैं तो सर मेरी मदद की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए मेरा सामान भी उसके पास है सारा ठीक है ठीक है पूरी मदद करते हैं आपकी बेटा ठीक है मदद करो ठीक है वो निजाल करवाए ठीक है बेटा डोंट वरी परेशान ना होना सामान वाला इशू है ना बेटा हमारा सामान दिला दे सामान दिलाएंगे एक पा हो गया सामान नहीं दे रहे वो हमारा ये सामान भी दिलाएंगे ठीक है हम बेरोजगार बैठे हैं बेरोजगार बैठे इनकी वैसे मदद करो फिर ठीक है सामान भी दिलवाएंगे हर तरह कानूनी मदद भी करेंगे परेशानी नहीं देंगे आपको ठीक है वो इंसाफ भी दिलाएंगे ना पर्चा हो गया है वो इंसाफ भी दिलाएंगे ठीक है उनको सजा दिलवाएंगे लगा दी नीचे से गेट बंद करके ऊपर आके दरवाजा बेफिक्र हो जाओ बेफिक्र हो जाओ आप चले जाओ ये बेसी चुके हवाले हो आप ठीक है हाँ जी जी मेरा खामद फौत हो गया दो बीवियां दो बीवियां सारसियां ने सारसी भी की थी लेकिन वो औरत नहीं मान रही मेरी बच्ची है मैं जी किधर लेके जावा बच्ची अपने तो उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया इनसे कब्जा कैसे ले लिया सालसों ने सर सालसी की कब्जा उनको दे दिया सालसों ने क्यों सर सालसी की दो मकान थे ना सर एक उनको दे दिया एक इसको ठीक है अब जो दूसरा है वो भी उसके पास ही है वो कैसे उसके पास है सर वो सर के नाम उनके है ना सर नाम उसका तो उनके है जी सर तो सालसी में फिर इनको दे दिया गया इंतकाल नहीं हुआ हाँ जी अच्छा चलिए बीबी हम आपकी मदद मेरा इंसाफ किया जावे लेके वापस मुझे दिया जावे जी मैं किधर जाऊं ठीक है जी ये SHO राव साहब आपने देखना है ठीक है इंसाफ के तकाजे पे बीबी का मसला हल करें अगर दो बेवाएं हैं तो हवन हो तो गए तो इसका भी हक तो बनता है ये कितने फिर है अगर एक घर उनका है बुला लेंगे कर लेंगे आपका मसला हल ठीक है आपको घर बिठाएंगे इंशाल्लाह ठीक हो गया जी कानूनी तौर पर भी आपसे मदद करेंगे जी सर मैं दिसंबर में आपके पास आई थी 1787 पे कॉल की थी वो मेरा मसला था ऊपर से दीवार तोड़ के वो देवर है नीचे रहता है ऊपर मेरी रिहाइश है SHO साहब घर भी आए थे DSP के सामने आपने मुझे भेजा था मैं कई दफ़ा गई सर उनके पास DSP साहब नदीम साहब दिसंबर जनवरी काफ़ी मैं चक्कर लगाती रही थाने के पहले तो वो मान रहे थे उनके खिलाफ पर्चा भी किया और उसके इसके यानी के लिए एक मकान है उसके हिस्से का लेकिन वो कहते इतना हिस्सा हमारा बन रहा है ये DRC रखा हुआ है वो तकसीम का मामला है वो तकसीम उधर से करवा देते हैं वो पहले मान गए थे भी क्या सर वो पंचायत में मानता है बच्चों का हक देने का फिर मुकर जाता है बाकी इनको पैसे दे देते हैं इनके इनकी एक बेटी और एक बेटा सर, तो ये DRC में हल हो जाएगा जी सर सर वो जो बच्चों का आपका जिम्मे है फिर सर और वो जो बच्चों का वालिद फौत हो गया उनका जो दुकान है उसका माल वगैरह वो सब कुछ कुछ भी नहीं देता है पंचायत में माना है वो दूंगा मैं फिर बाद में मुकर जाता है जो मेरा छोटा देवर इन बच्चों का चाचू साथ दे रहा था उसके खिलाफ पर्चा करवा दिया झूठा पर्चा करा दिया सर दिया। हाँ पर्चा नहीं दिया लेकिन उसने उसे हरासा किया सर अब उसने ऊपर से ना मैंने SHO साहब को बताया दीवार बिल्कुल तोड़ ली है ऊपर आने जाने का रास्ता बना लिया हमें हर तरह से परेशान किया हुआ है पानी का हमारा इशू है डोंकी उसने अपनी तरफ तार अपनी तरफ लगवाई दी है पानी हमारी टैंकी में नहीं भरने देते मैं समझ रहा हूँ मेरे बच्चों को बहुत सता रखा है सर हमें और मैं और मेरे दो बच्चे हैं एक बेटा एक बेटी ऊपर हमारी रिहाइश है और वो
बहुत ज्यादा तंग और परेशान करता है, बच्चों का हक भी नहीं दे रहा है। ठीक है, मानता है लेकिन देता नहीं है। ठीक है, अच्छा डीएसपी साहब देखिए बात यह है कि ये पंचायती तौर पे वो मानता है, तो इसका मतलब है कि उसूली तौर पे ठीक है, तो अब जो है ना जो भी फिर कानूनी या सरकार ने फिर आपको वर्दी पहना के तो दंड आपको दिया है तो मदद करें इनकी। पहले गई थी मैं थाने, ये डीएसपी साहब भी नए हैं। हाँ, वो उन डीएसपी साहब अभी आपने इनके पास एसएचओ साहब इनके पास लेके जाएंगे, मुतालिक इंतजामिया के अपने काउंटर पार्ट बिठाए जुमे को शायद, ठीक है, और आपका मसला हम दो तीन निश्चित में हल करवा देंगे। ठीक हो गया जी, खुश होके जाए। क्या मसले क्या है जी? मसला है जी, मेरा भाई फड़िया पिया जी सिटी थाने च, फड़ा गया है। हाँ जी, क्यों? ये दिन नु 4 बजे फड़िया, अज 20 दिन हो गए, तकरीबन 18-20 दिन होए खड़े ने जी। असी आए इनका पता किया, सानू कहंदे जी इनका चोरी का मसला है, ते सानू इन्ने पैसे दे दो, 85,000 रुपया। कौन मांग रहा है? करीमुल्ला ने जी, एसआई ने लिया, उन्हें क्या 80,000 रुपया शिवरात वाली रात असी दे के गए, ते 5,000 असी क्या नहीं हैगा, कहंदा सुबह ले आई ते लै जी। ठीक है, उसकी बच्ची फोत हो गई, असी उस च फिरदे रहे जी। करीमुल्ला नहीं गिरफ्तार किया था? हाँ जी, करीमुल्ला ने उठाया था। ए नहीं पता जी किन्ने फड़िया जी, किन्ने नहीं फड़िया, लेकिन पैसे करीमुल्ला मांग रहा है। हाँ जी, उसने ले लिया जी 80,000 रुपया ले भी लिया है। हाँ जी, उन्हें क्या जी सुबह मैं थोड़ा बंदा छड़ दांगा, पैसे दो, 80,000 असी देता, सानू नहीं पता सी जी। ते उस तो बाद च आए, उसकी बच्ची फोत हो गई, असी उस च फिरदे रहे, तो उस तो बाद जेड़ा असी आए हैं ते कहंदे जी उनकी तो बदली हो गई, वो क्या चला गया इतों। करीमुल्ला को अभी बुलवाएंगे आप, इसको भी बुलवाएंगे, पैसे भी दे अभी, और प्रॉपर इंक्वायरी करके आई एम ट्रस्टिंग यू विद दिस, ठीक है, वरना मुझे खुद करनी पड़ जानी है। आप मुझे उसके खिलाफ लिखें भी, उसको पैसे भी दिलवाएं। करीमुल्ला को मैंने नहीं छोड़ना इस डिपार्टमेंट में, ठीक हो गया। इतने गरीब बंदे का अगर वो 15-20 दिन भी कराता है और फिर उसके बाद उसे पैसे लेता है, मजदूरी करने वाला बंदा है, ठीक हो गया जी। आप मुझे इंक्वायरी करके दें, इसको बिठाएं, आपने जाना नहीं अभी तक, इनके पास आना है आपने, आपको पैसे भी हम लेके देंगे, पैसे अगर नहीं देता उसके ऊपर पर्चा दिलवाएं, ये फैर करेंगे उसके खिलाफ, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, नहीं तो फौरन गिरफ्तार करें फिर उसे। करीमुल्ला ने इसका अगर पैसे नहीं दिए सब इंस्पेक्टर ने, तो मुझे गिरफ्तार चाहिए, उसके ऊपर पर्चा चाहिए मुझे विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। अस्सलाम।